फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल प्रजापति स्टडी पॉइंट को और इस बेल आइकन को दबाएं एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड की ऑनलाइन क्लासेस और डेली न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के टॉप न्यूमेरिकल के बारे में जिनके आपके एग्जाम में आने के मैक्सिमम चांस होंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। एक स्टूडेंट की रिक्वायर थी कि एल हॉस्पिटल रूल है उसको रिवाइज करना है, तो मैं आपको उस वीडियो को लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। इससे पहले हमने कई वीडियोज़ डाल रखे हैं जैसे कि नेवी मैथ्स के और जीके वगैरह के, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, आपको बहुत सारे वीडियोस हैं वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे आपकी एग्ज़ाम की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो वीडियो की प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करना है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है कोई दर्पण है यानी कि मिरर। देखिए सबसे पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहूँगा इन स्टूडेंट के लिए जो इंग्लिश में प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि मेरे पास इंग्लिश का मटेरियल नहीं मिल पाया, तो मैं वीडियो में वैसे जितना हो सकेगा आपको सब कुछ बता दूंगा। वीडियो को आप ध्यान से देखना क्योंकि इसमें देखिए आप सिंबल से पहचान सकते हैं, थोड़ा मैं आपको बीच बीच में बता भी दूंगा। एक मिरर है उसकी आपको 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब 40 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, तो फोकस दूरी क्या होगी यानी कि व्हाट इज द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ है वो हमें ज्ञात करनी है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, 1/f = 1/v + 1/v। इसको मैंने लिया क्वेश्चन को, वैसे इजी है सभी कर सकते हैं, बट इसको मैंने क्यों लिया क्योंकि इसमें आपको एक टर्म दी हुई है वास्तविक। अब इस वास्तविक से हमें समझना है कि वास्तविक कौन सा जो इमेज प्रतिबिंब मिरर है वो बनाता है, तो ये बनाता है आपका अवतल। कौन सा बनाता है, अवतल, अवतल दर्पण बनाता है। तो यहाँ से आपको एक पॉइंट मिल गया कि अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक एवं उल्टा होता है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब अवतल दर्पण से बना तो फोकस दूरी माइनस होगी, तो जो आपका आंसर आया उसको माइनस लगा देना है, वही आपका आंसर होगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन में 24 भी मिलेगा, यदि आपने वो टिक कर दिया तो आपका क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, सेल्फ इंड्यूस्ड फैक्टर 5 mH है और आपको I यानी कि आपको करंट दिया हुआ है 2 A, देन phi यानी कि विद्युत फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी आपको वैल्यू बतानी है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स phi = क्या होता है, phi = Li होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। तो अब यहाँ पर क्या ध्यान रखने योग्य पॉइंट है कि मिली हेनरी, इसको हेनरी में आपको चेंज करना होगा, 10^-3 10^-3 ये आपका आंसर बन जाता है, आगे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपको 50 मीटर ऊंचाई से, देखिए ये आपको मान लीजिए कोई डिस्टेंस दी है 50 मीटर आपको डिस्टेंस दी है और पृथ्वी को इस मतलब कि कोई पिंड है वो ऊपर से गिराया जाता है, तो पृथ्वी को जब वो टच करेगा, टच अर्थ को टच करेगा, तो उस समय उसका जो वे जो टाइम है कितना टाइम लग जाएगा, तो इसके लिए देखिए आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ सेकंड इक्वेशन का यूज़ करना है, h = ut + 1/2 at² अब u = 0 क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 क्योंकि वो पॉइंट है वहाँ पर उसे शुरू करने से पहले 0 हो जाएगी, 0 रहेगी जब तक उसे छोड़ा नहीं जाएगा, और आपका ए है वो यानी एक्सीलरेशन है वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में चेंज हो जाता है, s = 1/gt², तो 1/2 gt² में मैंने वैल्यू रखी तो आपके पास t = आ गया √10 सेकेंड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं करा रहा हूँ, सभी आपके एग्जाम में लगभग आए हुए क्वेश्चन हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर क्या करें। नेक्स्ट है आपका एक साइकिल सवार है 9.8 m/s के वेग से वृत्ताकार पथ में त्रिज्या पर 19.6 m पर गतिशील है, तो ऊर्ध्वाधर झुकाव कोण यानी कि हमें झुकाव कोण है वो एंगल थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब आपको सब कुछ इसमें दिया हुआ है बट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला tan θ = v² / rc लगने वाला है इसमें। देखिए 9.8 × 9.6 आपको दिया हुआ है रेडियस, तो रेडियस रख लिया मैंने, जी की वैल्यू 9.8 आपको क्वेश्चन में दी हुई मिलेगी, वैसे भी आपको पता होना चाहिए। जैसे ही मैंने इसे सॉल्व किया 1/2 आया, अब 1/2 क्या होता है, 10 inverse 1/2, यहीं पर आपको छोड़ देना, यदि वो आगे भी पूछे तो 26.5 degree एग्जैक्ट वैल्यू है वो आपकी आ जाती है ऑफ दिस क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी लंबे स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर फैलाया जाता है जाए तो स्थितिज ऊर्जा यू है, यदि इसे 10 सेंटीमीटर फैला जाए तब स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, यानी कि इसकी हमें एनर्जी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, यू इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, 1/2 KX2। इसका आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, ये लगने वाला है जब हम किसी भी स्प्रिंग को स्ट्रेस करते हैं यानी खींचते हैं तो उसमें ये फॉर्मूला लगता है 1/2 KX2। तो ये मैंने फॉर्मूला लगाया। अब यहाँ पर देखिए हमें एक्स की वैल्यू दी हुई है कि इसे 2 सेंटीमीटर फैलाया गया, मैंने यहाँ पर रखा तो यहाँ आपकी वैल्यू है वो 2K आ गई, यानी कि K आपका क्या है यहाँ पर कोफिशियंट। तो इसको मैंने आगे सॉल्व किया, नेक्स्ट कंडीशन में दिया हुआ है आपको 10 सेंटीमीटर फैलाया जाता है, मैंने 10 सेंटीमीटर रखा तो हम मेरे पास 50 K आ गया। अब ये आपका यू है और ये आपका यू डैश है, दोनों से आपको यू यू निकालना है, यानी कि यू डैश है जब जब आप इसे इक्वल करोगे तो दोनों आपके पास आ जाएगा 25 U, 25 U आपके पास आंसर आ जाएगा। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करोगे, K की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ जाएगी U/2 और वहाँ से आ जाएगी K की वैल्यू आपके पास 20 वो U/25, U-by-25 इजीली आप निकाल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी उपग्रह का रेडियस को 4R कर दिया जाए तो आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड का क्या इफेक्ट पड़ेगा। प्लेनेट है उसकी रेडियस को 4 टाइम्स कर दिया गया तो उसकी जो टाइम पीरियड है वो कितने टाइम्स हो जाएगा। अब आपने पढ़ा होगा केपलर्स का जो थर्ड लॉ है वो कहता है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यू। अब मैंने आर क्यू रखा 4R, तो 4 × 4 × 4 और आर क्यू ये आपके पास वैल्यू है वो बन जाती है 64 RQ। यहाँ से आपने इसे देखा तो ये आपके पास किसका स्क्वायर बनता है, वर्ग बनता है 8 का, तो 8T यानी कि 8 टाइम्स हो जाती है या 8T हो जाती है, तो ये आपका डायरेक्टली आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको लैंग्वेज में दिया हुआ था बट मैंने इसे वैल्यूज़ में आपको बताया है। इफ़ वी इज इक्वल टू 101 सॉरी 110, पी इज इक्वल टू 100 वाट, देन आर क्या होगा। तो इस फॉर्मूले से बेस्ड आपको एक क्वेश्चन 100% मिलेगा। क्या है ये, देखिए पी इज इक्वल टू वी आई होता है, पी क्या होता है आपका पावर और वी वोल्ट होता है, आई आपकी करेंट होती है। तो यहाँ से मैंने देखा कि जो ओम्स लॉ होता है वी इज इक्वल टू आई आर होता है, यहाँ मुझे क्या क्या चाहिए, वी पी और आर चाहिए, बाकी दोनों फॉर्मूलों में से मैं एडजस्ट करके इन तीनों को ले लूँगा, बाकी को नेगलेक्ट कर दूंगा। यहाँ से मैंने इसमें आई की वैल्यू निकाली क्योंकि आई नहीं है तो आई आ जाता है अपना वी अपॉन आर, और वी अपॉन आर को मैंने इस फॉर्मूले में रखा तो पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। इस फॉर्मूले को रट लीजिए, बहुत काम आएगा ये फॉर्मूला, आपके न्यूमेरिकल भी, कॉन्सेप्चुअल भी, सभी तरह के क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद है आर, मैंने निकाला आर, तो आर वी स्क्वायर कितना है, इसको दो बार 2 टाइम्स कर दिया और 100 से डिवाइड किया तो 121 ओम आपके पास आ जाता है आंसर। आशा करता हूँ सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको 10 किलोग्राम का एक कण है वृत्ताकार पथ में जिसकी रेडियस है वो 20 मीटर है, वेलोसिटी क्या होगी। अब देखिए ये डायरेक्ट न्यूमेरिकल नहीं है, थोड़ा घुमा फिरा कर है, यानी कि आपको वैल्यूज़ है वो खुद से फाइंड आउट करनी होंगी एक दो फॉर्मूलेज को मिलाकर, जैसे ये यहाँ से बना इसी तरह से यहाँ बनेगा। एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है आपका सेंट्रिपिटल फोर्स और एम जी ओ होता है आपका नॉर्मल फोर्स। तो यहाँ से मैंने इसको कंपेरिजन किया, एम से एम है वो कैंसिल हो जाता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी हो जाता है, यानी कि वी इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी। वी इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी है तो इसकी रेडियस आपको सब कुछ गिवन है, आप इसे जैसे ही सॉल्व करोगे इसमें वैल्यू रखोगे तो 14 मीटर 14 मीटर/सेकेंड आपके पास आंसर है वो आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपका वोल्टता का शिखर मान, वोल्टता का हाइएस्ट वैल्यू आपको दी हुई है 200, देन फाइंड आउट वर्ग माध्य मूल, यानी कि क्या ज्ञात करना है आपको, इसमें करना है वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान IRMS, IRMS आप समझ गए होंगे, सॉरी VRMS फाइंड करना है। VRMS क्या होता है, VRMS इज इक्वल टू V0/√2 यानी शिखर मान, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन एयरफोर्स में आया था इसी बार 2018 मई के एग्जाम में। तो यहाँ से मैंने इसे डायरेक्टली सॉल्व किया, √2 से भाग दिया तो 100√2 है हमारे पास आंसर आ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आज की वीडियो का लास्ट, उसके बाद एल हॉस्पिटल रूल के बारे में आपको बताएंगे। एम इज इक्वल टू 10 किलोग्राम है, आई इज इक्वल टू 160 किलोग्राम है, देन आई पूछा आर पूछा है, तो डायरेक्टली होता है आपका फॉर्मूला आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर,
गाइस जो ये मैं आपको न्यूमेरिकल करा रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा ये आएंगे, बट आपको इन कॉन्सेप्ट से आधारित एक ना एक दो क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। तो इसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एमआर स्क्वायर से आप वैल्यू निकालोगे, आई इज इक्वल टू 4 हो जाता है। आशा करता हूँ वीडियो सभी को पसंद आई होगी। अभी तक किसी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर दे और कमेंट करके बताएं कैसी लगी आज की ये वीडियो। चलते हैं हम हमारे एल हॉस्पिटल रूल की तरफ। तो सबसे पहले देखिए एल हॉस्पिटल रूल लगता कहाँ पर है। एल हॉस्पिटल रूल आपके लिमिट चैप्टर है, लिमिट में आपका एल हॉस्पिटल रूल है वो काम में आता है। लिमिट एक्सटेंस टू 0 आपको दिया हुआ है। लिमिट एक्सटेंस लिमिट ये कब काम आता है, आपको दिया हुआ है लिमिट, मान लीजिए क्वेश्चन करा देता हूँ, लिमिट एक्सटेंस टू 2 और यहाँ पर आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स माइनस 4। तो यहाँ पर आपको एल हॉस्पिटल रूल है वो अप्लाई करना होगा। कैसे, देखिए मैंने इसको डायरेक्टली एक बार 2 को रख दिया। मैं जैसे यहाँ पर 2 को रख देता हूँ तो मेरे पास फॉर्म क्या बन जाती है, 0 ऊपर है 0 नीचे है, 0/0 फॉर्म बन जाती है, यानी कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाती है, अनिर्धारित फॉर्म बन जाती है आपकी, जो कि जिसका कोई निर्धारण नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए ये क्या क्या होते हैं, 0/∞, ∞/0 और 1/∞, ये सभी फॉर्म है 0/0, ये सभी फॉर्म है, ये आपकी इंडिटर्मिनेट यानी कि अनिर्धारित फॉर्म होती है। इसके लिए आपको क्या करना होता है, ये क्वेश्चन था। इसके लिए आपको डायरेक्टली डेरिवेटिव कर देना है उस क्वेश्चन का। जैसे आपको लिमिट एक्स टेंस टू 2 वो क्वेश्चन दिया हुआ था। अब आपको क्या याद रखना है कि इसमें, जैसे मान लीजिए मैंने दिया आपको एक्स साइन एक्स, तो आपको ये नहीं करना है कि इसमें मैं वी इंटू यू का फॉर्मूला लगाऊं, नहीं, जो अलग अलग फंक्शन है ना उनको आपको उठाना है, अलग अलग फंक्शन को बिल्कुल वहां से उठाना है। एक्स का अलग करना है, एक्स का 1 होगा, साइन का अलग करना है, साइन का कॉस एक्स होगा। तो इस तरह से आपका एल हॉस्पिटल रूल है वो वर्क करता है। मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर मोस्ट ऑफ 90% जो क्वेश्चन है वो आपके एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व होते हैं, जो एल हॉस्पिटल रूल से नहीं होते वो मैंने एक वीडियो बना रखा है, ई की पावर एफ एक्स माइनस 1 × g(x) इससे सॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पर आपके लिमिट से एक दो क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन जो आते हैं उनमें आपके पक्के नंबर हो जाते हैं। तो गाइज आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।